बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हूँ राणा बदर। तो आज हम उमर ऑटो गैराज के ऊपर आए थे, तो हमने इस बाइक का रिव्यू करना था जो कि होंडा 200 CC है, जो कि रोड मास्टर के नाम से पहचानी जाती है। तो इस बाइक के बारे में पहले तो मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि जो 1980 से लेकर 2007 तक जो आई थी बाइक, तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सन के पास होती थी इससे पहले, मगर उसके बाद ये मतलब आम लोग भी इसको बाय करना चाहते थे तो कर सकते थे। तो सबसे पहले जो ये वाली बाइक है इसका मैं आपको बता दूँ, ये होंडा का 200 CC है जो कि रोड मास्टर के नाम से है। तो सबसे पहले अगर हम बाइक के फ्रंट लुक की बात कर लें तो आप बाइक का फ्रंट लुक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इतना ओल्ड मॉडल होने के बावजूद भी देखें आपके कितना साफ़ सुथरा बाइक है। तो उसके अलावा अगर इसके फ्रंट लुक की बात कर लें, 175 CC, 185 CC और 200 CC, इसमें सिर्फ हेड लाइट का थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो कि 185 था वो इसीलिए फ्लॉप हुआ था क्योंकि उसकी जो कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा थी और जो कि आउटपुट उसका कम था, मगर उसके बाद उसको बंद करके जो कि कंपनी ने 200 को लॉन्च किया जिसकी फ्यूल कंजप्शन कम थी और जो कि आउटपुट वो 185 जो कि CC है उसकी निस्बत अच्छी थी। बाकी बाइक के फ्रंट लुक भी देख सकते हैं आप, इसके मडगार्ड वगैरह और ये देख सकते हैं। मडगार्ड के अलावा भी अगर आप इसकी पूरी फ्रंट की लुक देखें तो यहाँ पर आपको जो कि बड़े टोन में इसके मडगार्ड मिल जाते हैं। और इसका हब फ्रंट वाला देखें अगर, इसका और जो इसका बैक वाला हब है इनका साइज़ बिल्कुल सेम है, और जो इनके व्हील की चौड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब आम जो कि बाइक हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि 200 CC है इस वजह से। बाकी बाइक जो भी है आपको जितने लोगों के पास भी मिलेगी वो सिर्फ जो कि शौकीन है उन्हीं के पास ही मिलेगी आपको, ये बहुत रेयर नज़र आएगी बाइक पाकिस्तान के अंदर। तो जहाँ तक बाइक की साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, बाइक की साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाइक का जो कि फ्रंट मडगार्ड से लेके अगर आप इसके बैक मडगार्ड तक देखें तो बाइक की काफ़ी ज़्यादा लेंथ भी है और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब चौड़ी चौड़ी बाइक लगती है। तो गाड़ी के जो कि बाइक की अगर हम फ्यूल टैंक की बात कर लें, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूरे का पूरा जो कि एक क्रोम का कवर मिल जाता है जो कि आपके टैंक के दोनों साइड पर मिलता है, और यहाँ पर आपको लेस की ग्रिप के लिए एक रबड़ मिल जाती है जो कि मतलब ईजिली मतलब बैठ सकते हैं, कम्फर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। उसके अलावा बाइक के देखें सेल्फ और किक दोनों का ऑप्शन है क्योंकि 200 CC है इसके, वो मैं उस साइड से आपको दिखाता हूँ। बाकी बाइक का जो कि आप देख सकते हैं, इसका इंजन भी देख सकते हैं, इसके इंजन का साइज़ वगैरह सब देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बाइक के हम इसके लेफ्ट कवर की बात कर लें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इतना पार्ट आपको क्रोम का मिल जाता है, साथ यहाँ CD200 और जो कि रोड मास्टर की बैजिंग मिल जाती है। नीचे अगर इसके हम साइलेंसर की बात कर लें तो इसके साइलेंसर को आप देख सकते हैं, इसके दोनों साइड पे साइलेंसर है, दोनों के दोनों आपको क्रोम में मिल जाते हैं। बाइक के अगर चेन कवर की बात कर ली जाए तो चेन कवर भी आपको जिस तरह के बाइक रेड कलर में है वो भी आपको रेड कलर के अंदर ही मिल जाता है। उसके अलावा बाइक की अगर साइड प्रोफाइल की बात कर लें, बाइक की साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं, अगर आपको मैं साइड से दिखाऊं तो इसका आप जो कि बैक मडगार्ड देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, और उसके अलावा जो इसके थिकनेस भी इसकी जगह देखें जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो जहाँ तक बाइक की इस साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी वही क्रोम का जो कि यहाँ पे कवर मिल जाता है। उसके अलावा इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो कि किक स्टार्ट का किक का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको सेल्फ का जो कि मिल जाता है ऑप्शन। उसके अलावा बाइक के इस साइड पर भी आप देख सकते हैं आपको जो कि क्रोम में साइलेंसर मिल जाता है। तो जहाँ तक बाइक के इंजन की बात है, बाइक के इंजन के अंदर जो कि ऑयल डलता है वो 1.5 लीटर डलता है, और जहाँ तक फ्यूल टैंक की बात है, फ्यूल टैंक के अंदर जो कि पेट्रोल की जो कि कैपेसिटी है 10.5 लीटर की है। तो बाइक की ओवरऑल आपको कंडीशन भी दिखा दिए, उसके अलावा बाइक का मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ, और मज़ीद जो इसकी चीज़ें रहती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ तक बाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात है, बाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो कि स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल, यहाँ पे जो कि न्यूट्रल, और यहाँ पे इसकी हाई लो बीम मिल जाती है। तो बाइक में ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये डायरेक्ट ही होते हैं, ये देखें आपको अभी बाइक स्टैंड नहीं है उसके बावजूद भी ये सारे जो कि वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर ही। इस यहाँ पर आपको चौक का ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे यहाँ पर देखें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, और साथ ही अगर आपको अगर इसकी असेंबली दिखाऊं, यहाँ पे आपको इसके हाई का लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है, इस साइड पे आपको हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे जो कि इसकी लाइट का, और ऊपर ये जो कि इंडिकेटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जहाँ तक बाइक की बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, बाइक की बैक प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा वाइड लगती है। तो बाइक के जो बैक मडगार्ड मैंने आपको बताया था ये भी आपको बड़े टोन में मिल जाता है, और इसका जो कि नीचे कवर करने वाला एरिया ये भी बहुत ज़्यादा नीचे तक है। उसके अलावा बाइक की बैक लुक देख सकते हैं आपको, दोनों जो कि एग्जॉस्ट जो है इसको पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।